सुबह के 7 बजे हैं। शुरू करेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम शीर्षक संगीत और आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह पहला गीत आपने फिल्म घुंघरू से सुना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार थे चित्रकार रामचंद्र। श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत से दामन आए हैं हाथ में, मगर कई दामन हाथ से निकल भी गए। जो दामन कई महीनों या कई सालों के बाद हाथ में आए, आज वही दामन लेके आई हूँ आपके करीब। और प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि प्रोग्राम का आखिरी दामन मोहम्मद रफी साहब का है, वाकिफ साहब लता मंगेशकर के हैं, और मेरे कहने का मतलब भी आप समझ गए होंगे। चले हम आगे। Hey, boy.
लता जी के गाने जब गौर से सुनती हूँ तो ऐसा लगता है आई है ये हकीकत आज भी हमारे सामने, फिर एक बार हम तेरी जुदाई सह ना सके। ये गीत आपने संगीतकार हसनलाल भगतराम के संगीत में फिल्म शगुन ऐसे सुना, गीतकार थे M.R. भाकरे। सीने तो क्या जीने का कुछ मजा ही नहीं, अब जीने तो क्या। अब कोई जी के क्या करे जब कोई आसरा नहीं, अब कोई जी के क्या करे जब कोई आसरा नहीं। दिल में तुम्हारी याद है और कोई दूसरा नहीं, अब कोई जी के क्या करे जब कोई आसरा नहीं। आंखें मिला के प्यार से आंखें चुरा के चल दिए, चल दिए आंखें चुरा के चल दिए, चल दिए। उस पर सितम है अब से दिल में लगा के चल दिए, चल दिए दिल में लगा के चल दिए, चल दिए। अब कोई तुमसे क्या कहे जब तुमने कह दिया नहीं, पहले तो आप थे मेरे और आप किसी के हो गए। मेरी गली को छोड़ के किसकी गली में खो गए, खो गए किसकी गली में खो गए, खो गए। मुझको तेरी तलाश है तेरा तो कुछ पता नहीं, अब कोई जी के क्या करे जब कोई आसरा नहीं। संगीतकार गुलाम हैदर के संगीत में ये गीत आपने फिल्म मजबूर ऐसे सुना, गीतकार थे नसीम पानीपति। लीजिए अब अगला गीत संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में सुनिए। फिल्म का नाम है बहारों की मंजिल और इस गीत को लिखा है गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने। ये दामन अब ना छूटेगा कभी, चाहे खफा तुम हो ये दामन अब न छूटेगा कभी, चाहे खफा तुम हो। कहाँ जाऊँ के मेरी जिंदगी का
सप्ताह कार्यक्रम शीर्षक संगीत आप श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के विदेश विभाग से सुन रहे हैं। श्रोताओ, आज का ये दामन साथ में लेके हम आगे बढ़ेंगे। बचा दामन ज़माने,
संगीतकार रोशन के संगीत में ये गीत आपने फिल्म आगोश से सुना। गीतकार थे कैफ इरफानी। संगीतकार शीतलकर रामचंद्र के संगीत में अब सुनिए फिल्म अनारकली का गीत। गीतकार हैं शैलेंद्र। दुआओं से भरा है ये दामन किसी मजबूर के। मजबूर दामन बिछा कर दुआ कर वो मेरी खुदा से दुआ कर। जो बिजली चमकती है उनके महल पर वो कर ले तसल्ली मेरा घर जला कर। दुआ कर वो मेरी खुदा से दुआ कर। संगीतकार चित्रकार रामचंद्र के संगीत में ये गीत आपने फिल्म अनारकली से सुना। गीतकार थे शैलेंद्र। अब संगीतकार हसनलाल भगतराम के संगीत में फिल्म प्यार की मंजिल का गीत। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण। भीगा हुआ दामन है तो आंखों में है पानी। दुनिया इसे कहती है गरीबों की कहानी। गरीबों की कहानी।
भीगा हुआ दामन है तो आँखों में है पानी, दुनिया इसे कहती है गरीबों की कहानी, गरीबों की कहानी। प्रोग्राम का आखिरी दामन आपके सामने है मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में फिल्म धूल का फूल से। जी, फिल्म धूल का फूल से मोहम्मद रफी की आवाज़ में है ये आखिरी दामन। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं एन दत्ता। पूछे कोई जो तबाह होते हैं, हाय ओ दामन में दाग लगा बैठे, दाग लगा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे, हम प्यार में धोखा खा बैठे, दामन में दाग लगा बैठे, हाय हाय। छोटी सी भूल जवानी की, छोटी सी भूल जवानी की जो तुमको याद ना आएगी, उस भूल के ताने दे दे कर दुनिया हमको तड़पाएगी, झुकते ही नजर झुक जाएगी, उठते ही नजर
झुक जाएगी। ओ, उठते ही नजर झुक जाएगी। आज ऐसी ठोकर खा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे, दामन में दाग लगा बैठे। हाय ओ हाय चाहत के लिए जो रस्मों को, चाहत के लिए जो रस्मों को ठुकरा के गुजरने वाले थे, जो साथ ही जीने वाले थे और साथ ही मरने वाले थे, तूफान के हवाले करके हमें, तूफान के हवाले करके हमें, ओ तूफान के हवाले करके हमें, खुद दूर किनारे जा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे, दामन में दाग लगा बैठे। हाय ओ हाय लो आज मेरी मजबूर वफा, आज मेरी मजबूर वफा बदनाम कहानी बनने लगी, जो प्रेम निशानी पाई थी वो पाप निशानी बनने लगी, दुख दे के हमें जीवन भरता, दुख देके हमें जीवन भर का, वो सुख की सेज सजा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे, दामन में दाग लगा बैठे। हाय साप्ताहिक कार्यक्रम शीर्षक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का विदेश विभाग है।